विरोध प्रदर्शन में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है, कहीं नहीं है तो वो मुद्दा जिस पर ये पूरा प्रदर्शन बुलाया गया था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने महंगाई पर विरोध प्रदर्शन करके कोई गलती की है। प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर उसे पूरा हक है कि वो महंगाई का मुद्दा उठाए, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है। कांग्रेस को महंगाई की याद तब आई जब ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जांच के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो फिर लोग कैसे मान लें कि कांग्रेस अचानक से जनहित की बात कर रही है। क्या महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करना वाकई जनहित है या ये सिर्फ एक परिवार के लिए हो रहा है, ये सवाल बीजेपी भी पूछ रही है और सोशल मीडिया पर भी आज दिन भर इस पर बहस होती रही। इसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय के बाहर हुआ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने धारा 144 लागू होने के बावजूद पैदल मार्च निकालने की कोशिश की और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो भागते हुए एक बैरिकेड पर चढ़ गई। प्रियंका गांधी वाड्रा को इस तरह संघर्ष करते हुए आपने शायद पहली बार देखा हो और इस दौरान उन्होंने पुलिस को भी खुली चुनौती दी। वो पुलिस बंदोबस्त के खिलाफ धरना देने के लिए सड़क पर बैठ गई और जब इससे भी कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। जब पुलिस द्वारा कई बार समझाने के बाद भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना धरना समाप्त नहीं किया तो उन्हें महिला पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। ये तस्वीरें भी अभूतपूर्व हैं क्योंकि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि उन्हें इस तरह हिरासत में ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ और इस पर खूब राजनीति हुई। इस पूरे हंगामे के दौरान कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं ने भी काफी हंगामा किया, जैसे हरीश रावत प्रदर्शन करते हुए सड़क पर ही लेट गए और इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी की। हरीश रावत को यहाँ पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल कांग्रेसी, अल्लाह बोल, बोल भारतवासी, अल्लाह बोल। Madam,